बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है, अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो 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 क्या उसको कहें जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है, और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो,